Assalamu alaikum everybody, this is your host Talhavrum Talhar Views YouTube channel. Guys, तो यार आज की वीडियो है Infinix Note 8i का कैमरा रिव्यू। तो आप लोग कह रहे थे कि Note 8i का कैमरा रिव्यू, तो यार फाइनली रिव्यू इज़ हेयर। तो इस वक्त मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी डे लाइट कंडीशन कैसी है। इसका 48 मेगापिक्सल जो Infinix वाले क्लेम कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो असल है इसमें, या फिर कोई फेक काम है? तो सारा कुछ टेस्ट करते हैं A to Z, देखते हैं ये फ़ोन कैसा है कैमराज के मामले में। सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, लेकिन उसके पहले चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार एज़ यू कैन सी कि आपके सामने ये Infinix Note 8i का कैमरा ओपन है, ठीक है। ये सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट AI कैम है, सो ये ओपन है। अब पहले हम इससे एक पिक्चर कैप्चर करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। और यार ये अभी ना 48 के ऊपर नहीं है, तो हम पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर लेते हैं कि क्या सीन है सारा। तो यार क्वालिटी जिस तरह का कैमरा है ना, 48 मेगापिक्सल कहा जा रहा है, देखो ऐसे तो सही लगेगी, लेकिन जैसे आप पिक्चर जूम करोगे ना, तो इसमें जो नॉइस है ना वो आती जाएगी पिक्चर में, ठीक है। तो जूम के मामले में ये अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा, अभी हम इसका जो 48 है उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें क्या सीन है। तो अभी यहाँ से हम 48 पे क्लिक कर देते हैं, तो ये है जी 48 मेगापिक्सल का। तो अभी 48 से एक पिक्चर कैप्चर करते हैं। तो अगर 48 मेगापिक्सल की क्वालिटी की बात करें, तो बेटर देन जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट ली थी उससे बेहतर है ये पिक्चर, ठीक है। नॉइस आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जूम करने पर आती है, लेकिन अगर 48 की बात करें तो आई थिंक बेस्ट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी क्वालिटी है। अभी इसी 48 से हम एक ह्यूमन पिक्चर लेते हैं मेरे फ्रेंड की, तो देखते हैं कि क्या सीन है सारा। आई थिंक ठीक है, क्वालिटी जितनी कही जा रही है ना, तकरीबन बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है आपके सामने है। तो ये स्किन टोन जो है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है स्किन टोन के मामले में, स्किन सेचुरेशन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक कहेंगे इसको हम। पिक्चर जूम करने के बाद जो है वो स्किन इतनी ज़्यादा खास नहीं लगती, लेकिन अगर दूर से देखा जाए तो फिर भी पिक्चर ठीक आती है। बैक पर थोड़ा सा बोके इफेक्ट भी आ रहा है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो 48 के मामले में थोड़ी सी क्वालिटी ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि आप देख रहे हैं क्या सीन है सारा। उसके बाद बारी आती है इसमें आपको जो एक HDR मोड मिलता है, अभी ये ऑटो HDR पे है, तो यहाँ से हम इसको HDR के ऊपर कर देते हैं और एक दूसरी साइड की पिक्चर लेते हैं जहाँ पर लाइट भी है और दूसरा अंधेरा भी है। तो देखते हैं HDR मोड होना 48 मेगापिक्सल से क्या सीन है इसका। यार डायनामिक रेंज ठीक है, बिकॉज जो इसकी लाइट थी बैक पे वो भी ठीक आ रही है, और जो नीचे वाली जगह थी मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, तो उसको भी इसने थोड़ा सा ब्राइट कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की डायनामिक रेंज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप कह सकते हैं कि 50% जो है वो अच्छी है डायनामिक रेंज, बाकी आप इसको देख सकते हैं। सो यार ये जो अभी इसमें मैक्रो मोड आता है उसको टेस्ट कर लेते हैं। सो ये अभी मैंने इसके मैक्रो मोड से एक पिक्चर कैप्चर किया है। तो उसके मामले में अगर बात करें क्वालिटी की, तो जूम करने पर क्वालिटी का पता चलता है, तो ठीक है, बिकॉज इसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल के और उसके बाद तीनों कैमराज जो हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के हैं, और आई थिंक ये 2 मेगापिक्सल से ही पिक्चर कैप्चर हुई है। लेकिन क्वालिटी के मामले में मैक्रो मोड की बात करें तो मैक्सिमम ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, एक नॉर्मल क्वालिटी है मैक्रो मोड की। तो भाई अब बारी आती है इस फ़ोन में जो ब्यूटी मोड आता है वो इस वक्त ऑन है, देखते हैं कि ब्यूटी मोड में पिक्चर कैसी आती है। तो अभी ये पिक्चर जो है ये ब्यूटी मोड से ली गई है, तो स्किन के मामले में अगर बात करें तो फिर बहुत हाई क्वालिटी नहीं आई, लेकिन एक नॉर्मल क्वालिटी है जो कि नॉर्मल फ़ोन में होनी चाहिए, और आई थिंक के 48 मेगापिक्सल की क्वालिटी इससे थोड़ी बेटर होनी चाहिए थी, बट इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। सो ब्यूटी कैम की अगर बात करें तो उस मामले में भी नॉर्मल है, बिकॉज आपके सामने स्किन टोन। सो यार नेक्स्ट बात ही आती है इस फ़ोन में जो बोके मोड आता है, तो वो चेक करते हैं कि कैसी क्वालिटी देता है। और यहाँ पर पिक्चर कैप्चर करने से पहले आपके पास ये ऑप्शन आता है अपर्चर वाला, आप अपना अपर्चर सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप, बैकग्राउंड ब्लर कम होता जाएगा, और जैसे ही आप बैक आते जाएंगे पीछे की तरफ, तो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपर्चर 2 पर रखता हूँ और मैं एक पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ। क्वालिटी कैसी आई है इसमें बोके मोड की, तो आई थिंक जो एज डिटेक्शन हमने देखनी है इसकी, हाँ यार नाइस वर्क है इस मामले में आपके सामने, एज यू कैन सी। अच्छा इसकी जो एज डिटेक्शन की क्वालिटी है ना, उस मामले में आई थिंक के बेस्ट है,
क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कहीं से इसने कोई चीज़ मिस की है। तो अगर बोके मोड की बात की जाए तो वो भी बेस्ट है यार। अभी बारी आती है इस फोन में जो सुपर नाइट मोड आता है, तो नाइट अभी नाइट तो नहीं है, लेकिन एक बात बताता हूँ कि अगर आप डे लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट ना हो लेकिन लाइट कम हो तो आप नाइट मोड से पिक्चर कैप्चर करते हैं तो क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और मैं तकरीबन नॉर्मल नाइट मोड डे में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको जो इसकी सुपर नाइट मोड की क्वालिटी है वो चेक करवाता हूँ। तो ये नाइट मोड से ली गई पिक्चर है। अभी आई थिंक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ना ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये जो डे लाइट पिक्चर होती है उसको और ज़्यादा क्लियर करके तो ये आपको जो क्लैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे देता है। तो अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आई थिंक ये बेस्ट है आपके सामने। यार पिक्चर क्लैरिटी आपके सामने है एज़ यू कैन सी, लेकिन जूम करने पर नॉइस बढ़ती जाती है पिक्चर में, लेकिन फिर भी अगर क्वालिटी की बात करें तो एक नॉर्मल फ़ोन से अच्छी क्वालिटी है इस फ़ोन की। सो यार अभी यहाँ पे एक प्रोफेशनल मोड भी है इस फ़ोन में, वो ये होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है iOS को या फोकस वगैरह को या जो भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं आप उनको अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं। आई थिंक ये मैनुअल कह सकते हैं एक तरह से आप इसको, तो इसको हम नहीं छेड़ते। अच्छा ये जो आपके पास AR शूट मोड आता है ना, यहाँ पर आप इमोजीज वगैरह बिल्लियाँ शिलियाँ अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी बिल्लियाँ शिलियाँ आ जाती हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है अभी हम इसको नहीं छेड़ते बिकॉज इसका काम ही नहीं आ रही है डॉक्यूमेंट्स के। अब ये डॉक्यूमेंट स्कैनर आता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है वो आसानी से स्कैन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आसानी से स्कैन कर सकते हो इसके थ्रू, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अभी बारी आती है इस फोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट पे आपको जो सेल्फी मिलती है उसमें जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बट इस वक्त डे लाइट में थोड़ी सी अच्छी लग रही है। लेकिन अगर इनडोर की बात की जाए तो वहाँ मुझे आई थिंक बहुत बुरी लगी थी ये, लेकिन आउटडोर में अभी एक सेल्फी कैप्चर करते हैं इससे, फिर देखते हैं क्या सीन है। तो अभी यहाँ से हमने फ्रंट कैमरा से एक पिक्चर कैप्चर किया, आई थिंक बहुत ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेस को पता नहीं क्या कर देती है। तो फ्रंट पे स्किन टोन के मामले में ये फ़ोन इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ये भी आपके सामने है। और बैक पे इसने जो काफ़ी ज़्यादा लाइट है उसको तेज़ कर दिया, पत्ते हरे कर दिए, लेकिन फ्रंट एक नॉर्मल कैमरा है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। सो यार अभी बारी आती है इस फोन के वीडियो सेक्शन। तो यहाँ पर आप 2K तक इस फोन के बैक कैमरा से वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p, उसके बाद 720p है, और फाइनल जो है वो बैक कैमरा से 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो यार एज यू कैन सी कि ये जो Note 8i का बैक कैमरा उससे वीडियो शूट हो रही है। यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वालिटी है ये आपके सामने है, ये 48 मेगापिक्सल से 2K वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट माइक आता है तो ये ऑडियो भी उसी से आपको सुनाई दे रही है। मैं इस वक्त आउटडोर में हूँ तो इसमें स्टेबलाइजेशन मोड किसी भी किस्म का नहीं है, तो अगर वीडियो हिलती है फ्रेम हिलते हैं तो वो भी आपके सामने है, ठीक है। तो क्वालिटी आपके सामने 48 मेगापिक्सल की जो 2K क्वालिटी है वो आपके सामने है। तो नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इस फोन में वीडियोस के मामले में शॉर्ट वीडियोस है, जहाँ पर आप 10 से 15 सेकंड की वीडियो बना सकते हो, जहाँ पर आपको काफी ज्यादा फिल्टर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वीडियोज में वो आता है जी स्लो मोशन का, जहाँ पर आप 240fps तक स्लो मोशन को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फोन में आई थिंक बोके मोड नहीं है वीडियो में, वो नोट 8 में है, ये नोट 8 आई है, 240fps और 120fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फोन से। तो ये लास्ट ऑप्शन था, इसका भी आपको जो सैंपल है वो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। सो यार फाइनली आपने इस फोन का कैमरा रिव्यू आई थिंक देख लिया होगा, मैंने क्लियर चीज़ें बताई हैं आपके सामने। अगर तो यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया इस मामले में, मतलब के कैमराज के मामले में, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है इस मामले में तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड नहीं मिलता इस फोन में नोट 8 आई में, आई थिंक नोट 8 में है, बट यहाँ पर इसका जो कैमरा है वो भी एक पूरा ये बहुत खास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है इस फोन की। लेकिन अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो उस मामले में भी इसमें जो वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड है वो नहीं आता। तो वीडियो सैंपल आपने देखा, स्लो मोशन देखा, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। सो आई थिंक कि आपकी सारी चीज़ें इस फोन के कैमराज के बारे में क्लियर हो चुकी होगी। अगर तो कोई चीज़ आती है तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। और उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।